इंट्रोडक्शन देके जाऊंगी जो आपको ये लगेगा कि हाँ ये पॉइंट भी छू लिया हमने। तो जितने आप पाले छूते जाएंगे आपका जो स्ट्रेस लेवल वो कम होता जाएगा। वैसे तो सिलेबस आपका 3 महीने 4 महीने जितना पढ़िए, लेकिन चीजें अगर जानते रहेंगे तो जब पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है समावेशी शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि हर साल इससे 2 से 3 प्रश्न हर बार सीटेट में आते हैं, कंफर्म है। ठीक, तो पढ़ाने से पहले मैं आपका पूरा ज्ञान जानना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं समावेशी शिक्षा क्या है? हाथ उठाए कितने लोग बता देंगे? हाथ उठाइए, आप बताइए। हर प्रकार के, तो यहाँ पे तो हर प्रकार के बच्चे, कोई बच्चा देखिए, हाँ एक सेकेंड, जैसे हर प्रकार, जैसे तो पहला लाइन कहते हैं कितने कम में कितना ज्यादा बोलते, ये भी चीजें आप ध्यान दीजिए। यहाँ भी आपको पता है कि हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट है ना, तो यहाँ भी तो कई प्रकार के बच्चे हैं। एक लाइन में बताइए समावेशी शिक्षा क्या है? आप ही अगर सामान्य भी हैं और आप ही विशिष्ट भी हैं तो आपको ले लिया, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से, अच्छा, और कोई शारीरिक मानसिक रूप से, शारीरिक मानसिक, और ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर करना है, ये इंट्रोडक्शन है, ये समावेशी शिक्षा का बहुत ब्रॉड है, पूरा पेपर होता है, कई एक सेमेस्टर में रहा होगा। यस, तो ठीक है बताइए, पूरा पेपर नहीं आता, उसका उस पेपर के नाम की मीनिंग पता है? बताइए इसमें क्या चलता है? समावेश, ठीक है, सम, आप उसको कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जनरली जब आपको समझना है तो आप समावेश कहते हैं कि किसी चीज को इंक्लूड करना, किसी चीज में सम्मिलित करना, इसका दूसरा शब्द क्या है? सम्मिलित करना, तो सम्मिलित किसको करेंगे? तो यहाँ जो सम शब्द है वो सब के लिए, मतलब सबको सम्मिलित करना, चाहे वो कैसा भी बच्चा कैसा भी हो, सबको सम्मिलित करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। फिर इस सम से आप देखिए दो टर्म और निकलते हैं, क्या? समता और समानता। देखिए अभी इस वर्ड को मैं डिफाइन कर रही हूँ, क्या है? समता और समानता। संविधान पढ़े होंगे आप लोग, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे ना, जब बताइए समता क्या है? समान अधिकार। समानता क्या है? समान। ये है इक्विटी और ये क्या है? इक्वालिटी, ठीक है, इक्विटी और इक्वालिटी, क्या दोनों एक है? नहीं है ना, तो पता है ना ये क्या है, हमें बताइए समता क्या? अच्छा समानता ही बता दीजिए, शब्द अभी यहाँ शब्द से आगे नहीं बढ़ी हूँ, डिफिनीशन नहीं बता रही, बस वर्ड की मीनिंग बता रही, कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसका विश्लेषण कर रहे हैं समावेशी। तो यही समझ गए तो आप सब समझ गए। अब देखिए समता मतलब जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतनी चीजें दे, और समानता मतलब सबको क्या करना, बराबर दे, दोनों में अंतर है कि नहीं? जैसे आपको एक ही रोटी के भूखे तो आपको एक ही दे, इनको 400 है तो इनको 4 दे, ये हो गई इक्विटी। समता, समानता क्या, इनको भी 4 दे, इनको भी 4 दे, समानता। समझ रहे हैं, शब्दों को समझिए, क्या है समता मतलब जिसको जितनी आवश्यकता उसको उतना दिया जाए, और समानता मतलब सबको दिया जाए, मतलब आपको अगर एक रोटी दी गई तो आपको भी दी जाए, आपको भी दी जाए, आपको भी दी जाए, आपको भी दी जाए, ये हो गया समानता। लेकिन आपको दो ही की आवश्यकता तो आपको दो ही दी जाए, 3 नहीं, ये मतलब आपको 3 दी जाए, उनको 2 की आवश्यकता, उनको 1 दे दी जाए, तो ये समता हो गया, अर्थात जिसको जितनी आवश्यकता उतना देना समता, और सबको देना समानता। तो ये वर्ड इसमें सब क्या आपके इंक्लूड है, समावेशन, समावेशन मतलब सम्मिलित करना, किसको? सबको। कैसे? जिसको जितनी आवश्यकता जैसी आवश्यकता उनको भी सम्मिलित करना, और सबको समान रूप से उनका आवेशन करना, समावेशन करना मतलब इंक्लूड करना, सम्मिलित करना। अब देखिए किसमें सम्मिलित करेंगे, एक कक्षा में, कक्षा की बात है ना शिक्षा में, तो क्या करेंगे, एक ही कक्षा में
विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालक को। यहाँ देखिए पकड़िए, अब जितनी आवश्यकता मतलब ये आवश्यकता भिन्न है ना, भिन्न है कि नहीं, ऐसे कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। तो अगर आपके हाथ पर सलामत है तब भी भिन्न है, तो सिर्फ शारीरिक मानसिक पर क्यों अटक गया? यहाँ हर आवश्यकता मतलब विभिन्न आवश्यकता वाले बालक को एक ही कक्षा में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समता, उनकी आवश्यकताओं के रूप अनुरूप समान रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो ये वर्ड लिख लिख के डिफाइन कर दीजिए। क्या लिखे, कौन कौन से लिखेंगे? समावेशन का ब्रैकेट में लिखे सम्मिलित करना, फिर यहाँ दो टर्म करेंगे समता और समानता। समता के नीचे इंग्लिश लिख दीजिएगा इक्विटी और समानता के नीचे इक्वालिटी। अब समता के नीचे लिखेगा जितनी आवश्यकता उतनी पूर्ति, और इसको सबको समान रूप से वितरण लिख लीजिए, नहीं तो फिर भूलेंगे कि अभी समझ में आता है बाद में भूलता। कैसे लिखेंगे समावेशन को? दो आरों में तोड़िए, समता और समानता। समता मतलब क्या? जिसको जितनी आवश्यकता उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से की जाए, जिसको जितनी आवश्यकता उसके आवश्यकता की पूर्ति समान रूप से की जाए। कि लाइन टू लाइन लिखेंगे तो पूरी लाइन पढ़ेंगे, लेकिन अगर ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में बनाएंगे, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट मैप, तो आप एक बार मैप देखेंगे आपको याद आ जाएगी। ये टेक्निक है, इस पर मैंने डिसर्टेशन किया हुआ है इसलिए मुझे पता है। तो हमने एमएड में डिसर्टेशन किया था, तो मेरा टॉपिक यही था कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो चीज़ों को, विभिन्न चीज़ों को एक साथ जोड़ के एक ही में क्या कर देना, सम्मिलित कर देना, एक मैप जैसा बना देना। जैसे भारत का मैप देखिए और भारत की जो राज्य और सारी चीज़ों को अलग अलग लिखिए, तो बहुत लंबा वही खाता बनेगा, लेकिन मैप देख के आप तुरंत बता देंगे कि कौन से क्या पोजिशन है। तो इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट का भी मैप बनाते हैं। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? जिसको जितनी आवश्यकता उसकी पूर्ति, और सबको समान रूप से बिना भेदभाव के पूर्ति करना, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करें तो समानता हो गई, और जिसकी जितनी आवश्यकता उसकी पूर्ति तो समता। अब कभी कंफ्यूज होंगे इसमें, संविधान में ये आया हुआ, ठीक है? अब यहां तक आपने लिखा, अब देखिए जो आपको लिखना है। अब समता को यहां एरो नीचे बना के आप लिखेगा विभिन्न आवश्यकता आवश्यकता, मतलब अलग अलग आवश्यकता है, तो उसको क्या, यहाँ टर्म आपका क्या है, गोला लिखे, विभिन्न आवश्यकता। बस यही मूल है कि एक ही कक्षा में विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालकों को एक साथ समान रूप से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए तो शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। क्या है लाइन? विभिन्न, देख लीजिए, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालक, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालकों को एक ही कक्षा में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके सभी को समान रूप से शिक्षा देना, सभी को समान रूप से शिक्षा देना। देखिए समान मतलब सबको समान नहीं, पहले क्या कहा, आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे लेकिन सबको देंगे, वो हो गया समानता, और आवश्यकताओं की पूर्ति क्या हो गया, समता। अर्थात इसका जो मूलभूत सिद्धांत क्या, समता और समानता। समझ में आ रहा है इतना? आप कभी कोई पूछा समावेशी शिक्षा तो कंफ्यूज होंगे। अब देखिए इसके नीचे लिखिए, इसमें दो प्रकार के बालक आते हैं, इसमें दो प्रकार के बालक आते हैं। अगर सिर्फ दो कैटेगरी में हम बांटेंगे तो कितने प्रकार के बालक आएंगे? रिसिस्ट और सामान। विशिष्ट बालक और सामान्य। इसके नीचे एरो करके लिखे हैं जिनकी
विशिष्ट आवश्यकताएं हो, विशिष्ट आवश्यकताएं हो, जिनकी विशिष्ट आवश्यकताएं होंगी उनको कौन से बालक कहेंगे? विशिष्ट, चाहे शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, किसी भी रूप। वही शारीरिक मानसिक में आप अटके थे इसलिए मैं पूछे, सांवेगिक, अधिगम संबंधी या सामाजिक, कोई भी फील्ड हो सकता है। सिर्फ हम हाथ पैर और दिमाग देख के किसी को विशिष्ट नहीं कह सकते, हो सकता है नॉर्मल हो, दिमाग भी आईक्यू भी सही हो, हाथ पैर भी सलामत हो, लेकिन क्या हो, पिछड़ा हो, तो उसको भी तो इंक्लूड करेंगे, तो पिछड़ा बालक नहीं आएगा समावेशी में। सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, सांवेगिक रूप से पिछड़ा हो, बहुत अच्छा है लेकिन क्या उसे संवेगात्मक विकास नहीं हो पाया, उसका जो एटमोसफियर नहीं सही था, तो क्या अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बहुत तेज है, दिमाग से भी सही है, हाथ पैर भी सही है, लेकिन संवेगात्मक रूप से क्या है, कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, हाइपर हो जाता है, तो ये तो पागल थोड़ी है वो, लेकिन सांवेगिक रूप से क्या है, उसकी आवश्यकता है ना, वो भी पता क्या हो जाएगा। तो जहां आपकी कोई विशिष्ट आवश्यकता आ गई वही आपको क्या बना देगी, विशिष्ट बालक, और जिनकी सामान्य आवश्यकता। सामान्य आवश्यकता मतलब इसको कह सकते हैं कि जनरल आईक्यू हो, हाथ पैर सलामत हो, सामान्यतः सांवेगिक वो चीजें प्रेटेंड करता हो, सामाजिक रूप से भी सामान्य हो, मतलब जैसा सब मानते हैं वैसा हो, मतलब कहते हैं सामान्य बालक, हर चीज अगर उसकी सामान्य हो तो इसको विशेष समायोजन, देखो थोड़ा बहुत तो सब समायोजन करता है, आप भी करते, लेकिन इसको कोई विशेष समायोजन नहीं करना पड़ता, और इसको क्या करना पड़ता है, विशेष समायोजन करना पड़ता है। चल नहीं पाता तो कोई दौड़ के चल रहा है तो लेट आएगा, धीरे आएगा, सुन नहीं पा रहा है तो कहेगा तेज बोलिए या आगे बैठेगा, देख नहीं पा रहा है तो मेरी तरह चश्मा लगाएगा, तो आवश्यकता है कि नहीं। हाँ तो मुझे विशिष्ट कह सकते हैं, कह सकते हैं, बहुत सारी मेरी चीज़ें विशिष्ट की हैं, वो उस कैटेगरी में रख दिया गया है ना, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है, ऐसे कि जहां तक आप लिमिट में रहें, जैसे 6/60 से शुरू होगा, ऐसे करते करते एक लिमिट आती है कि इसके नीचे थोड़ा बहुत पावर है तो चलेगा, लेकिन ज्यादा पावर है तब आपको विशिष्ट में रखना, क्योंकि चश्मा तो कई लोग लगाते हैं तो उनको आप विशिष्ट नहीं कह सकते। या जनरल कॉन्सेप्ट में समझिए कि एक सीमा रेखा है जिसके बाद सामान्य बालक ही उस आवश्यकता का अनुरूप क्या हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो जाए, सांवेगिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, किसी भी। और इन्हीं सारे बालकों को इनकी आवश्यकता के हिसाब से शिक्षा दी समान रूप से एक ही कक्षा में, तो उसी कक्षा को क्या कहते हैं, समावेशी कक्षा कहते हैं। और ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसको क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा। समझ में आया, ये जितना हमने कॉन्सेप्ट देखा ये समावेशी शिक्षा का क्या आधार स्तंभ, जिससे समावेशी शिक्षा क्या हुई, डेवलप हुई, आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसी के साथ दो आपके और, अब देखिए कक्षाओं के, शिक्षाओं के प्रकार अगर देखें समावेशी के संदर्भ में, तो आप देखिए कितने प्रकार के कह सकते हैं। जैसे एक आपकी कक्षा की बात करें तो एक कक्षा आपकी क्या होगी, सामान्य, ठीक है, एक कक्षा कैसे होगी, विशिष्ट, ठीक है, एक कक्षा कैसे होगी, एकीकृत, और एक कक्षा कैसी होगी, समावेश। समावेशी मैंने बता दिया, लेकिन और भी टाइप हैं, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ सारे बालक सामान्य और उनकी शिक्षा दी जाए सामान्यता, तो ये कक्षा सामान्य कक्षा कही जाएगी, जैसे मान लीजिए आप सब सामान्य हैं हर स्तर से और आपकी जो कक्षाएं संचालित होगी तो सामान्य है। अगर सारे बच्चे विशिष्ट हैं, जैसे मान लीजिए सामान्य तो उनका हर कोना क्या है, फिल है, और विशिष्ट है तो कोई चीज़ में बहुत अच्छे होंगे, कोई चीज़ में कम होंगे, मान लीजिए जैसे जो नहीं देख पाते बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कई चीज़ें होती ना, विशिष्टताएं तो सिर्फ कमियां नहीं होती ना, वो विशिष्टता है, जिसका एक अंग नहीं काम करता उसका दूसरा अंग बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे कई ऐसे दृष्टि बाधित हैं जो देख नहीं सकते लेकिन छू के कलर बता देंगे, बहुत सारे लोग हैं, उनका सेंसेशन पावर बहुत ज्यादा, तो क्या कोई कोना उनका कम होगा, कोई कोना ज्यादा होगा, तो मान
जी ये कौन से बालक है? विशिष्ट। और ये कौन से बालक है? ठीक, तो सामान्य कक्षा में कौन से बालक रहेंगे? सिर्फ सामान्य। विशिष्ट में कौन से रहेंगे? सिर्फ विशिष्ट। एकीकृत में क्या रहेंगे? सामान्य भी रहेंगे, विशिष्ट भी रहेंगे, लेकिन ये अपने में रहेंगे, ये अपने में। एकीकृत तो कर दिया लेकिन समावेशी प्रकरण नहीं। यही देखिए, एकीकृत मतलब एकीकृत कक्षा, लेकिन इनकी जो कक्षा व्यवस्था है वो अलग अलग रहती है, उनको अलग से ध्यान देंगे, उनको अलग से। लेकिन समावेशी में रैंडम होता है, कहीं भी किसी के साथ भी कोई बैठ सकता है और किसी को भी आप अलग नहीं मानते। ये समावेशी कक्षा मतलब इसमें क्या, एक साथ को वो लोग सहयोग से, आपसी सहयोग से, शिक्षक के सहयोग से सीखते हैं। लेकिन एकीकृत में बस एकीकृत कर दिया उसके बाद नहीं। तो पहले सबसे पहले सबको इसमें पढ़ाया जाता था, फिर जब विशिष्ट शिक्षा की बात आई तो एक ऐसे विद्यालय कुछ खोले गया जिसमें सिर्फ विशिष्ट बालक है। जैसे दृष्टि बाधित का अलग कर दिया, श्रव्य बाधित का अलग कर दिया, है ना, मंद बुद्धि का अलग कर दिया। मैं अलग से नहीं पढ़ी हूँ, है ना। तो समझिए क्या हुआ, जो ये विशिष्ट कक्षा थी इसी को विशिष्ट शिक्षा में बताया गया। तो वो शिक्षा कौन सी शिक्षा कही गई? विशिष्ट शिक्षा। अगर आपके सामने ये शब्द है विशिष्ट शिक्षा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट बालक, और सामान्य शिक्षा की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य। जब ये वंचित हो रहे थे तो कहते थे ये एडजस्ट नहीं कर पाते, इनको नहीं पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग पहले नहीं पढ़े कि अगर नहीं देख पाते तो नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़े ना, आप समझिए। तो जब धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था आपकी डेवलप हुई तो क्या किया गया, कहा गया कि इनको विशिष्ट एक विद्यालय बनवाइए, टीचर विशिष्ट, जैसे विशिष्ट बीएड होता था, बीएड में भी स्पेशल बीएड होता, अब बंद होगा, अब भी कहीं कहीं होता, तो स्पेशल बीएड करता था, तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए अपॉइंट होता था। किसके लिए? विशिष्ट बालक। जैसे हर कक्षा में एक आध दो विशिष्ट है, तो उनको सारे एक जैसे विशिष्ट बालकों को एक जैसे विद्यालय में रख दिया। तो एक ही विद्यालय में, पूरे विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट शिक्षा यहाँ पे संचालित की जाने लगी। लेकिन जब यहाँ से एक एज होगी, मान लीजिए यहाँ 6 से 14 मान लीजिए आपका रेंज है, 6 से 14, तो एनरोल हुआ बच्चा, और इनके लिए जो दिया गया है 18 साल तक इनका एडमिशन कराना है RTA का, जो विशिष्ट बालक होते हैं, शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक हो। तो क्या कहा गया कि इनका कोई एज होगी जिसमें ये एडमिशन लेंगे, और कोई एज होगी जिसमें से पास होके निकल जाएंगे। क्या जिंदगी भर तो पढ़ेंगे नहीं, तो जब पास होके आएंगे तो आएंगे तो इसी समाज में, तो वहां तो वो ये सीखे जब सीखना था कि सबको यही प्रॉब्लम है। जैसे हम नहीं देख पाते तो सब छड़ी लेके चल रहे हैं, या सबको ब्रेल लिपि से पढ़ा रहे हैं। ब्रेल लिपि पता होगा आपको, ऐसे 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 बिंदी रहती है, ठीक है, किसी में ऐसे, फिर ऐसे कई सिंबल होते हैं आपके, तो उसमें क ख ग पहले ABCD पे बना था, फिर यहाँ पे भी इसको कन्वर्ट कर दिया। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे एक पेज लेंगे आप, है ना, इस पे उभरी उभरी बिंदियां रहेंगी। जैसे ये बिंदी देखना है, ये आपके मान लीजिए 6 बिंदी है, इसमें एक उभार दिया, ठीक है, उभरा है, इस पे छुएंगे तो उभरा है, इसका मतलब है एक, समझ रहे हैं? सपोज दैट, जैसे कैसे लिपि पढ़ा होगा, ब्रेल लिपि का नाम सुना होगा, लुई ब्रेल इसके जन्मदाता। तो ये उभरा है, जब बच्चा ऐसे छूता है तो यहाँ उभरा रहता है, तो कहता है ये ऐसे, तो आप कहेगा ए, ऐसी पूरी किताब छूके 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 पढ़ेगा, बहुत तेजी से पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। सेंसेशन बताया ना, बहुत तेज होता है, आपको पढ़ना हो तो हालत खराब हो जाती है। जिनकी जरूरत है तो पढ़ते हैं, लेकिन अच्छी लिपि है, जैसे आप क ख ग लिखते हैं तो बस एक बिंदी से समझ गए, वो पढ़ लेंगे। आप समझिए कि जब यहाँ पे वो पढ़ते थे, ये क्यों इसकी आवश्यकता हुई ये बता रहे, जब यहाँ पे वो पढ़ते थे तो ठीक है, वो एक ही जैसे बच्चे एक साथ रहते थे, तो उस समय उनको ये लगता था कि सब ऐसे ही हैं, तो उन्हें ये फील नहीं होता था कि हमारे अंदर कोई कमी है, या हम वंचित हो रहे हैं, या हमें दिक्कत होगी। उन्हें बस ये पता था कि सारी दुनिया ऐसी है, क्योंकि ज्यादातर देखिए 10 बच्चे अगर ऐसे दिख गए आपको एक ही जगह, और उसी में संतुष्टि क्या, अब उसी में 6 साल 7 साल आप पढ़िए तो माइंड मेकअप हो जाता है ना कि हाँ आप, हाँ पूरा समाज ऐसा है। लेकिन जब वो उसी समाज में पढ़ के निकलेगा, तो मान लीजिए पैर से उसको दिक्कत है, तो वो छड़ी से लेके चल रहा है, तो बाकी सब भी छड़ी लेके चल रहे हैं,
थोड़ा ज्यादा चल रहे, कोई दौड़ेगा नहीं। और कभी रोड पे गया और एक सांड दौड़ा ले, तो जब बगल वाला तेजी से भागेगा और वो भागने का प्रयास करेगा, नहीं भाग पाएगा तो उसे दिक्कत नहीं होगी, तो भाग नहीं पाएगा तो फिजिकल दिक्कत। जो यहाँ उसके प्रेशर पड़ेगा संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से, कि अरे मेरे अंदर कुछ दिक्कत है, कि हम दौड़ नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते, या हम सामान्य नहीं है। तो जब ये समाज में जाता था तो पहले तो आपने इसको एक अलग समुदाय कर दिया, अलग कर दिया एकदम। और जब ये रहना इसको समाज में, जब समाज में आ रहे तो इसको दिक्कत नहीं होगी, होगी ना? तो ठीक है, आप इनको इंस्ट्रूमेंट दे रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, लेकिन जब समायोजन उसे रहना समाज में ही है तो इन्हें दिक्कत होनी थी, इसलिए फिर एकीकृत किया गया। तो उसमें भी अलग अलग करते थे तब भी दिक्कतें होती थी, कि भाई उनको अलग उससे, आपको अलग उससे, तो भेदभाव होता था। फिर जो आया सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या, समावेश बिना भेदभाव। तो वही टीचर जो सामान्य होता था उसको विशिष्ट ट्रेनिंग दी जाती थी, तो वो ऐसी कक्षा चलाता है कि जैसे जिसकी आवश्यकता है वैसे पढ़ाता है, उसे कहेंगे समावेशी शिक्षक। वो ट्रेंड होता है, वो सामान्य शिक्षा भी जानता है और विशिष्ट भी। और वो बच्चों को सबसे पहले चीज इसमें क्या, इसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन विशिष्ट है। ठीक, तो यहाँ देखिए कि क्या सामान्य चल रही थी, फिर विशिष्ट आए, फिर एकीकृत आए, फिर अभी ट्रेंड में क्या है, समावेश। और इन सब में सबसे अच्छी यही कक्षा है, क्योंकि आप उनको क्यों अलग कर रहे हैं, जब उनको उन्हीं के साथ रहना है तो आप पहले अलग कर दे रहे हैं, फिर आएंगे तो समायोजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समावेशी शिक्षा का आपका कॉन्सेप्ट आया। इतना समझ में आया? Yes. क्यों आया, क्या है, इतना आज आपने समझ लिया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है शिक्षक के लिए चैलेंज होता है, जो यहाँ पे पूछता है, बताओ उसको। अगर ऐसा प्रश्न आए कि क्यों आवश्यकता हुई समावेशी शिक्षा की, तो आप बता लें, वही मैं आपको समझा रही हूँ। हर चीज लिख के आप नहीं बता पाते, लेकिन अगर समझ गए वास्तव में तो आप बता रहे। जैसे आप ही के घर में दो प्रकार के बालक हैं, मान लीजिए कि चार पांच बालक समान है, कोई विशिष्ट आ जाता है, क्या करते हैं, उसको बहुत माना जाता है या उसको नहीं माना जाता, तो बाकी जो बच्चे होते क्या ईर्ष्या नहीं होती, जब ज़्यादा माना जाता है उसको, क्या नहीं माना जाता बाकी को ज़्यादा मानते हैं। तो बहुत सारी कंडीशन, देखिए घर में एक ही माता पिता जब नहीं एडजस्ट कर पाता तो शिक्षक के लिए कितना बड़ा चैलेंज। दिमाग से अगर थोड़ा दिक्कत है तो लोग अपने साथ लेके कहीं नहीं जाते, आप ही के परिवार ले जाते हैं शादी ब्याह घूमने, कोई पूछता है छेपते हैं। सच्ची आपकी फैमिली ऐसे कर सकती है, शिक्षक के लिए कितना बड़ा चैलेंज। तो यहाँ सबसे बड़ी कंडीशन है कि शिक्षक भेदभाव नहीं करे, उसके लिए समान विशिष्ट एक समान, ना किसी पे ज्यादा फोकस करना है ना किसी कम। पता चले समावेशी कक्षा में बस विशिष्ट को ही पढ़ाइए, सामान्य को कही अरे तुम तो पढ़ लो, तो भी सही नहीं है, सबकी अपनी जरूरतें हैं, तो सब पे ध्यान दें। तो यहाँ एक तरह आप और समझ लीजिए बस, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है वो होता है निदान और उपचार। तो उपचार करे चाहे ना करे, ये निदान बहुत आवश्यक है। किस कक्षा में, समावेशी। अब देखिए निदान क्या, जैसे सेंटर में जाते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट करता है हीमोग्लोबिन आपका, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सारी चीजें बता दे, प्लेटलेट, तो क्या वो आपको ठीक कर देता है? नहीं। जब हम जांच करते हैं, किसी समस्या का पता लगाते हैं, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं निदान करना है, डायग्नोस करना। याद रखिए डायग्नोस डॉक्टर नहीं करता, डॉक्टर एक संदेह बताते कि तुमको ये चीज हो सकता है जब ब्लड टेस्ट करा के, मलेरिया है तो ऐसे डायरेक्ट दवाई थोड़ी देगा, वो ब्लड टेस्ट कराएगा। टाइफाइड है तो ब्लड टेस्ट कराएगा। क्या होता है पहले, किसी भी चीज को सुधारने के लिए कुछ करने के लिए पहले आप क्या करते हैं, डायग्नोस या निदान करते हैं। अब यहाँ पे किसका निदान करना है, कि कौन सा सामान्य है और कौन सा विशिष्ट, यहाँ आपको यही निदान करना है। तो शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व क्या है, उस विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करना। उसके लिए बहुत सारी जांच कर सकते हैं, जैसे आप कैसे पता लगाएंगे, आप बोल रहे हैं बार बार सर, कह एक बच्चा कह रहा है पीछे से, सर नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोले, या नहीं बोल पा रहा है, कहेगा कि सब कहेंगे कि नहीं कम सुनता है, जब उसकी कॉपी चेक कर रहे हैं तो बीच बीच में छूटा हुआ है ना, तो
हो सकता है आपसे नहीं कह पा रहा, उसको कम सुनाई दे रहा। अब अगर आप उसको डांट दिए वहीं पे तो क्या करेगा वो? हो सकता है फिर आपसे कभी ना कहे कि उनको कम सुनाई देता है बगल वाले से देख के लिए, लेकिन उसकी समस्या का तो आपने पहचान नहीं लगाया ना, पता नहीं लगाया ना। तो क्या करिए, आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक एक बच्चे की क्या समस्या है। आप विभिन्न परिस्थिति में उसको रखिए और उसकी जांच करिए कि हो सकता है मंद बुद्धि हो तो आईक्यू आप उसका टेस्ट करिए सबका, तो खुद ही पता चल जाएगा कौन मंद है, कौन जड़ है, कौन तीव्र है, कौन प्रतिभाशाली है। इसमें विशिष्ट में आपका प्रतिभाशाली भी आता है। सामान्य नहीं है, विशिष्ट। देखिए ये जो कंडीशन होती है इसमें कई प्रकार के आपके कंडीशन, एक मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ठीक है, फिर आपका आर्थिक या सामाजिक, अधिगम संबंधी, ठीक है, ऐसे कई कंडीशन। अब मानसिक में कौन कौन आएगा, देखिए अगर मंद है, जड़ है, प्रतिभाशाली है या सृजनात्मक है, ये सारे क्या आएंगे, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। ये सामान्य नहीं है, इनकी आवश्यकता अलग है कि नहीं। अब देखिए शारीरिक रूप से क्या आएंगे, दृष्टिबाधित, श्रव्य, और जो दिव्यांग होते हैं आपके हाथ पैर में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी, और भी जो शारीरिक अक्षमता है जैसे आर्टिज्म हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे। संवेगात्मक रूप से कौन से आएंगे, समस्यात्मक, ठीक है, और अपराधी, या सांवेगिक रूप से अविचलित, सॉरी विचलित। समझ में आया, देखिए कितनी कंडीशन है विशिष्टताओं। फिर देखिए आर्थिक या सामाजिक, जो पिछड़े होते हैं, ट्राइबल होते हैं, कहीं जो दूरस्थ जैसे आदिवासी जो होता है वो आपके साथ बैठ ही नहीं सकते, वो डरते हैं हम लोग से, उनके लिए हम लोग राक्षस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे देख के भागते हैं, पता नहीं क्या एक्चुअली हम लोग का ऐसा व्यवहार है ना उनके प्रति, एकदम डर गए। बहुत ही कम कंडीशन में कि आपसे आके कुछ पूछेंगे तो बताएंगे, देखते भागते छोटे छोटे बच्चे, हम तो जाते जाते हमको पहचान गए, लेकिन फिर भी कुछ लेने में देने में बड़े डरते हैं, पता नहीं क्या दे रही हैं माँ। जैसे हम लोग रास्ते में हमारे गांव में जाते वक्त हैं, एक कुनबा है तो वहाँ कोई रुकता नहीं, तो हम लोग जाते रहते तो मेरी आ जाते, कभी कभी चले जाते हैं, तो वो लोग क्या करते, बच्चे पहले शुरू में देखते तो भागते थे, बहुत ही भागते, माँ बाप छुपा लेते थे, झाँक झाँक के जा रहे जैसे कोई एकदम अजूबा आ गया दूसरे प्लैनेट से, इस प्रकार की। तो वो सोचे उनको शिक्षा जब देने जाएंगे तो कितना यहाँ पे वो एडजस्ट करने में कितनी दिक्कत करेंगे, है ना। तो वो भी क्या होंगे, वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं कि नहीं, आपने सामाजिक रूप से उनको अलग कर दिया, आदिवासी है कहीं दूर जंगल में रह रहे हैं, उनकी शिक्षा तो उनका जो हाव भाव क्रियाकलाप सब अलग है ना, तो आवश्यकता उनकी क्या है, विशिष्ट है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, विशिष्ट वाले। अधिगम संबंधी में सब कुछ नॉर्मल है, अब सा लिख रहे हैं और दिखेगा उसको वाज उल्टा, लेफ्ट टू राइट। अब लिख रहे हैं वर्ड जम्बलिंग में, मतलब ए बी सी डी लिख रहे एक साथ तो उसको ए बी डी सी दिखेगा, मतलब ये दोनों बात पूछेंगे तो कहेगा सेम है, वर्ड जम्बलिंग इसको क्या, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अधिगम में क्या है वो विशिष्ट, गणित नहीं लगा पाता, डिसकैलकुलिया, चित्र नहीं बना पाता, डिसग्राफिया, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। विभिन्न प्रकार के आपके क्या है उसकी अक्षमता होती है, जो अधिगम से वो नॉर्मल वाला क्या संवेगिक सामाजिक सब रूप से, लेकिन यहाँ पे क्या होती है उसकी विशिष्ट अधिगम आवश्यकता है होती है, तो वो भी क्या है विशिष्ट बालक। तो आप जांच करके ये पता करते हैं कि कैसे कौन सा बालक किस स्तर का है, क्या विशेषता है, उसके बाद आप उपचार करते हैं, क्या करते हैं उपचार करते हैं। तो उपचार में क्या करेंगे, उस चीज को दूर करेंगे जो उसकी दिक्कतें हैं और उसको सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख करेंगे। जनरल यही कॉन्सेप्ट है आपका समक्ष पूरा, एक एक चीज आपको अलग अलग से पढ़नी है, दृष्टिबाधित श्रव्यबाधित हर चीज, लेकिन पूरा अगर देखें एक मोटा मोटा तो पूरा समावेशी जो शिक्षा है इसमें, एक टर्म इसमें और आएगा आपका निर्देशन एवं परामर्श। तो निर्देशन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है परामर्श। निर्देशन सामूहिक रूप से दिया गया एक
इंस्ट्रक्शन है जो सबके लिए समान है, और परामर्श होता है पर्टिकुलर आपकी समस्या को समझ के आपको सलाह देना। तो इसमें सलाह ज़्यादा बेटर है। और जैसे वो नहीं सुन पा रहा, नहीं सुन पा रहा, नहीं बताएगा क्योंकि यहाँ सब उसको चिढ़ाएंगे, तो आप उससे पर्टिकुलर अलग से पूछिए क्या दिक्कत है, तो कहेगा, हो सकता है कहे कि सर नहीं सुनाई देता। तो वहाँ बैठा दूसरे दिन, तो आप कहेंगे आगे आ जाओ तुम्हें कम सुनाई देता है, तब तो सब जाने जाएंगे। आप कहेंगे तुम्हें रोज दिक्कत होती है, चलो यहाँ बैठो हम देखेंगे तुम कैसे नहीं सुनते हो। तो सबकी नज़र में तो वो नहीं कम सुनता ना, आप जानते। तो यहाँ बैठेगा, आप उसको समझाएंगे, जहाँ सुन भी लेगा कोई जान भी नहीं पाएगा, और इसकी समस्या का आप क्या कर देंगे, समाधान भी कर देंगे। तो ये क्या हुआ, परामर्श हुआ ना। तो ये सारी चीज़ें आपके समावेश शिक्षा में है, तो आपको इतनी चीज़ें पढ़नी, बाकी अलग अलग चीज़ें।